वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिम जाने की बस तैयारी हो चुकी है, जिम के लिए मैं रेडी हूँ बिल्कुल अपना, और आज मेरा लेग डे है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करूँगा ये सारी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, लव यू जिंदगी। तो बस पहुँचते हुए अपने जिम, ऊपर की तरफ चलते हुए, ये हमारा कार्ड, देन पंच करेंगे और एंटर करेंगे। सो पहुँच चुके हैं हम अपने जिम, और जिम में चेंजिंग रूम में मैं चेंज कर चुका हूँ, और एक डियो लगा रहा हूँ मैं थोड़ा सा अपना। डियो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि देखो अपने आप को ना साफ रखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं जिम के अंदर। सबसे पहले करेंगे स्ट्रेचिंग, लेग्स की हो या बैक की हो या आपकी बाइसेप्स की हो या आपके ट्राइसेप्स की हो या आपके शोल्डर की हो, स्ट्रेचिंग हमेशा जरूर करनी है स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। सो पहली एक्सरसाइज है हमारी सुमो सेट, जिसके हम 3 सेट्स करेंगे और कम से कम 15 रेप्स निकालेंगे। अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली मैं बेंच को एडजस्ट करता हुआ, इसे कहते हैं लेग प्रेस। ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें मैं 3 सेट्स निकालूंगा 8 रेप्स के साथ। जिसको ज्यादा रेप्स निकालना है, ज्यादा सेट्स लगाने, वो लगा सकता है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। तीसरी एक्सरसाइज है मेरी स्टिफ डेडलिफ्ट, और इसमें मैंने ना बारबेल को यूज़ किया हुआ है और ना ही डंबल को, इसमें मैं नॉर्मली प्लेट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके मैं निकाल रहा हूँ 3 सेट्स 12 रेप्स, और जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है अभी भी वही चीज़ कहूँगा कि वो और एक्स्ट्रा रेप्स निकाल सकता है। फोर्थ एक्सरसाइज है मेरी लेग एक्सटेंशन, जिसमें मैं 3 सेट निकालूंगा 10 रेप्स के साथ, और जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली, सिंपल सी बात है, और ज्यादा रेप्स निकाल सकते हैं। और पांचवी एक्सरसाइज है मेरी हिप एबडक्शन। एबडक्शन मतलब कि बाहर की साइड में अपने पांव को ले जा रहा हूँ, है ना। इसके नंबर ऑफ सेट्स होंगे 3, और नंबर ऑफ रेप्स होंगे जो कि मैं कर रहा हूँ 12। लेग्स की मेरी एक्चुअली सारी पांचों एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब घर जाऊंगा, घर जाके मील बनाऊंगा। सो फाइनली हम जिम से आ चुके हैं और बना रहे हैं ओट्स। बेसिकली अभी फिलहाल मेरे पे ओट्स ही हैं, नॉर्मली ओट्स खाऊंगा, थोड़े से ओट्स डालता हूँ बस इतना ही, ठीक है। ये मेरी मील है आफ्टर वर्कआउट, और बेसिकली ना नापने की मेरी आदत नहीं है, जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना मुझे चाहिए खाना, और कितने ग्रामेज के हिसाब से मुझे खाना है, तो मैं कहीं ना कहीं पे ना मैं जो मेरी बॉडी की एनर्जी है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं नापता नहीं हूँ जरा भी। सो ओट्स हो चुके हैं रेडी, अब इसको खाएंगे और भूख मिटाएंगे। टेस्ट तो जरा भी नहीं है, बट हाँ अच्छा है। सो आफ्टर वर्कआउट मेरी मील कंप्लीट हो गई है, मील कंप्लीट करने के बाद मैं लूंगा रेस्ट। रेस्ट लेने से पहले 20 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा टहलूंगा, जो मैंने खाना खाया है वो एटलीस्ट डाइजेस्ट हो जाए, और फिर मिलता हूँ फिर मैं आपसे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू जिंदगी, बाय।